गुंडागर्दी करते हैं, अधिकारियों को काम नहीं करने देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट देखती रहती है। आज भी इतनी तलखी और सही को सही कहने की हिम्मत रखे। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में, मैं हूं जब्बार खान और वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। दो अलग अलग नारे, अलग अलग वक्त में, अलग अलग अंदाज में अपनी सियासी बिसात को मजबूती के साथ बिछा करके लोगों का भरोसा जीतने के लिए मायावती, बीएसपी सुप्रीमो ने अलग अलग वक्त में दिया। एक वक्त में वो अध्यापन का काम कर रही थी, मगर अपने गुरु काशीराम के साथ में आकर के उन्होंने उनसे जो राजनीति सीखी और बीएसपी जब वजूद में आई, कैसे बीएसपी के वजूद में आने के बाद में उत्तर प्रदेश के सियासत में मायावती का सितारा चमकना शुरू होता है। करीब करीब चार बार, कमोबेश चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, यहां तक कि मुलायम सिंह के साथ में गठजोड़ करके, और फिर एक वक्त 1995 के आसपास का ऐसा आता है कि जब 36 का आंकड़ा हो जाता है, उसके बाद में लंबे अरसे के बाद में अखिलेश यादव के साथ में गठजोड़ करती हैं। इन तमाम ताने बाने के बीच में मायावती ने दलितों के मसीहा के तौर पर अपने आप को उत्तर प्रदेश में स्थापित तो कर दिया, और इस अंदाज में स्थापित कर दिया कि बीएसपी का जो काडर वोट था वो हर हाल में बीएसपी के साथ में जुड़ा रहा, चाहे बीएसपी सत्ता में रही या सत्ता से बेदखल रही। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, दलितों के मसीहा के तौर पर बीएसपी ने कुछ दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी को, अपने आप को स्थापित करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो कटाक्ष, जो प्रहार, जो निशाना साधा है, वो दोनों ही पार्टियों को तिलमिला देने वाला है। हम आपको दिखाएंगे विस्तार से और समझाएंगे, और अपने खास मेहमानों के जरिए, अपने पूरे पैनलिस्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती का ये बयान राजनीतिक तौर पर क्या उनको फायदा पहुंचाएगा, या महज ये बयान है, या अब मौजूदा वक्त में मायावती सियासत से उनका जो कनेक्शन है, या यूं कहें कि कामयाबी का जो कनेक्शन है, उससे अब एक तरीके से बेदखल होती हुई जा रही है एक के बाद एक। अब इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, मगर उससे पहले आइए निगाह डालते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। अरे हम वो गुंडागर्दी करते हैं, अधिकारियों को काम नहीं करने देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट देखती रहती है। आपने मेरी गवर्नमेंट देखी, मैंने अपने एमपीज और एमएलएस तक को भी नहीं छोड़ा। अपने जन्मदिन के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया। मायावती आज 64 वर्ष की हो चुकी हैं। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने 64 किलो का केक भी काटा, लेकिन मायावती के लिए बने उस केक में जितनी मिठास होगी, कुछ उतनी ही कड़वाहट के साथ मायावती की बातें सामने आई। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने अल्पसंख्यकों के बहाने सरकार पर निशाना साधा, तो साथ ही कांग्रेस को भी खरी खोटी सुनाई कि जब केंद्र की सरकार संविधान में लोकतंत्र की सही मानवतावादी मान मर्यादा से नहीं चलती है, तो तब उसकी सबसे ज्यादा दुख तकलीफ वह प्रताड़ना देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही झेलनी पड़ती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में केंद्र की बीजेपी सरकार भी अब कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों के रास्तों पर ही लगातार चलकर इनको काफी त्रस्त दुखी किए हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ घेरकर मायावती ने एक ही तीर से दुष्कार किया। बीजेपी को लेकर मायावती की तल्ख टिप्पणी के बाद बीजेपी भी मायावती पर हमलावर हुई। सरकार पर लगाए मायावती के सभी आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने जो आरोप हमारी सरकार पर लगाए हैं, वो तथ्यहीन आरोप हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। हम पूरी तरह से उनके आरोपों को खारिज करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में बेसिक फर्क है बहन जी, आपने 10 साल मनमोहन सरकार को समर्थन दिया, प्रदेश में भी आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन लिया,
हमारी सरकार गरीब कल्याण की योजना गरीब तक पहुंचे इसकी चिंता कर रही है। आज जन्मदिन के दिन तो सच्ची सच्ची बात करनी चाहिए। आज भी इतनी तलखी भाई, हमने आपको अखिलेश जी के साथ गठबंधन के बावजूद पराजित कर दिया, अब कोई राजनीति की दिशा नहीं दिख रही, तो इस तरह का बयान देना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दिन ज्यादा नहीं कहना चाहते, वो दीर्घायु हो और सही को सही कहने की हिम्मत रखें। जन्मदिन के मौके पर मायावती के तल्ख तेवर दिखे। अल्पसंख्यकों को पिछड़े वर्ग के बहाने से मायावती ने फिर सियासी सीढ़ियों की चढ़ाई की, साथ ही कांग्रेस और बीजेपी को एक ही तराजू में तोला। लेकिन मायावती के इन तर्कों के बीच सवाल फिर उठ रहा है कि जात और धर्म के सहारे कब तक सियासी पार्टियां वोटों पर निशाना साधती रहेंगी। संदीप खेर, लखनऊ, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो 64 वर्ष की आयु और 64 किलो का केक, और इस मौके पर गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आइए चर्चा की तरफ रुख करते हैं, मगर उससे पहले R9 TV के वो सवाल लेते हैं जिसके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कब तक मायावती धर्म पर या फिर जाति पर राजनीति करते रहेंगे, ऐसा सवाल लोगों के मन में उठ रहा। क्या कांग्रेस और बीजेपी एक ही रास्ते पर है जैसा कि मायावती का आरोप है? साथ ही साथ में लोग ये पूछ रहे हैं कि अल्पसंख्यक से जुड़े मायावती के दावे में कितना दम है कि बीजेपी के राज में दलितों अल्पसंख्यकों को काफी परेशानी हो रही है। क्या सचमुच देश में अल्पसंख्यक परेशान हैं या फिर सियासत का मोहरा बन रहे हैं? क्या मायावती वाकई में अल्पसंख्यकों की शुभ चिंतक हैं? अगर हैं तो फिर उन्होंने अपने राज में क्या किया? कब तक मायावती इस किस्म की राजनीति करती रहेंगी? ये वो सवाल है जो जनता के मन में आज उठ रहे हैं और जिसके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भले ही आज मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत से एक तरीके से देखा जाए तो बेदखल हैं, हालांकि बीते चुनाव में कुछ कामयाबी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद में जरूर हासिल हुई, मगर इस वक्त प्रासंगिकता कितनी है सियासत में, उत्तर प्रदेश की सियासत में कामयाबी के नजरिए से अलग अलग इस पर विश्लेषक अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मगर आज मायावती का जन्मदिवस, जिसे वो कल्याण दिवस के तौर पर जानती हैं, मानती हैं और लोगों से मनवाती भी हैं, मगर इन तमाम चीजों के बीच में बीजेपी की तरफ से कैसा प्रहार आया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैसा पलटवार आया, इन तमाम चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मायावती जिस तेजी के साथ में काशीराम के साथ में, स्वर्गीय काशीराम के साथ में मिल करके अपनी सियासी जमीन को मजबूत करती हुई चली गई, यहां तक कि उनकी एक अलग इमेज और अलग साख बनी और उसके बाद में सत्ता के शिखर पर भी पहुंची, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में कई बार, करीब 4 बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में वो रह चुकी हैं। हालांकि इस बीच में उतार चढ़ाव भी उनकी पार्टी ने अलग अलग दौर में खूब देखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मायावती या BSP से जुड़ी रही वो ये कि सोशल इंजीनियरिंग, दलितों के नाम पर राजनीति शुरू करने वाली मायावती को आखिर एक वक्त आया जब मजबूर होकर के अपर कास्ट के वोट्स का भी सहारा लेना पड़ा, और यही वजह रही कि एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी और दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्रा को भी उनको खड़ा करना पड़ा। तो एक पूरा कॉम्बिनेशन जिसका नाम सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर दिया गया, और इस नजरिए से मायावती को कामयाबी हासिल भी हुई। मगर आज के वक्त में मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में कहां पर है? आज के वक्त में मायावती उत्तर प्रदेश के सियासी धुरे को क्या अपने अंदाज में, अपने तौर पर आगे बढ़ाने में कामयाब हो पा रही हैं, या फिर इस वक्त बीजेपी को, जिसे 2017 के विधानसभा चुनाव में या फिर यूं कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद में नए ताने बाने की जरूरत है तमाम विपक्षी पार्टियों को उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे साथ पूरा मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ में इस वक्त संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में है कांग्रेस पार्टी के नेता अमित मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में है मोहित रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जो बताएंगे इन तमाम चीजों पर अपना नजरिया रखेंगे। सुरेश चंद्रा जी, BSP के नेता के तौर पर आज जिनसे बहुत सारे सवाल होने हैं, सर तैयार रहिएगा। इंद्रजीत सिंह टीटू जी गुरुद्वारा प्रमुख हैं आप, क्योंकि मायावती ने अपनी अपने भाषण में या अपने बयान में ये कहा कि
धर्म के आधार पर बीजेपी ने बांट दिया है और अल्पसंख्यक दलित या कई सारे ऐसे वर्ग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे साथ में आचार्य देवमूर्ति शास्त्री जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, जिनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका भी। साथ में कुछ ही देर में फाजिल अहमद साहब जुड़ेंगे मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और अनिल मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत सुरेश चंद्रा जी आपसे ही करना चाह रहा हूं कि मौजूदा वक्त में मायावती का, बीएसपी सुप्रीमो का ये बयान कि बीजेपी के राज में न दलित सुरक्षित हैं, न मुसलमान सुरक्षित हैं, न ही पिछड़ी जाति के लोग सुरक्षित हैं, ये महज लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए है या इसके पीछे कोई तर्क और तथ्य भी है? देखिएगा, मैं तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले परमादरणीय माननीय बहन जी के 64वें दिन, जिसे हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, बहुजन समाज, सर्व समाज, सभी को मैं कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। ठीक है सर। और उसी उसमें संदर्भ में हम 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन को बहुजन दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो आपने सवाल किया वो तो आज देश के हालात बता रहे हैं। एससी एसटी के साथ और माइनॉरिटीज के साथ, खासकर मेरे इस्लाम मत के लोगों के साथ, क्या ये मॉब लिंचिंग का सारा मामला जो हुआ, नाटक पूरा हुआ और अभी भी हो जाता है, जहाँ जहाँ दाव लग जाता है, क्या उससे सुखी होंगे लोग? बैकवर्ड का जो यहाँ पर 52% तादाद है, उसको केवल मात्र 27% में आरोप ये है, आपका आरोप ये है, बीएसपी का आरोप ये है कि साहब ये सरकार करवा रही है। सर ये तो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है। सर मैं जिक्र कर रहा हूँ 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की मान्यवर कांशीराम साहब ने, तो उससे पहले भी तो ये सारे दल थे। अगर जब सारा देश हमारे संविधान के हिसाब से चल रहा होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत ही क्या थी? संविधान के अकॉर्डिंग जब काम नहीं चल रहा, सरकारें न चल रही हैं न बन पा रही हैं, बन इसलिए नहीं पा रही हैं कि अगर मान लीजिए कहीं कमी रह जाती है तो वहाँ खरीद फरोख्त हो जाती है, तो क्या उसे समाज आपके लिहाज से, आपके लिहाज से सरकार जानबूझ करके सुरक्षा नहीं मुहैया करा रही है दलितों को, अल्पसंख्यकों को, आप ये कहना चाह रहे हैं जो कि मायावती ने आज ये बात कही? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। संदीप दुबे जी एक सीधा सा प्रहार बीएसपी सुप्रीमो का आज सुबह आया और इस वक्त इस चर्चा में भी उसी बात को, उसी लाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, न दलित खतरे में है, न मुसलमान इस देश में खतरे में है, न पिछड़ी जाति के लोग खतरे में है। किसी को असुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। असुरक्षा महसूस हो रही है तो मायावती जी को हो रही है, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन खतरे में है। कारण क्यों है सोचना चाहिए, इस पे बहुजन समाज पार्टी को जरूर अवलोकन करना चाहिए। आज बहन जी का जन्मदिन है, मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतनी आलोचना करने का मुझे अधिकार है कि देखिए, जब आप इस समाज को, भारत को, भूमि का टुकड़ा है जिसको आप रहने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से आप देखिए, आप दलित देखिए, पिछड़ा देखिए, मुसलमान देखिए, ब्राह्मण देखिए, क्षत्रिय देखिए, कायस देखिए, आप इतनी, मगर वो तो यही कह रहे हैं कि साहब जब इन वर्गों, इस इन वर्ग के लोगों का ध्यान नहीं रखा गया तो फिर इनके लिए सियासत तो करनी पड़ेगी, नहीं इनके हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। मौका किसने दिया? वो यही कह रहे हैं कि साहब हमें मौका दिया गया इसलिए हमने पार्टी बनाई। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज पार्टी उन्होंने बनाई, दलितों की बात करी, लेकिन दलितों के हित के लिए काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करी। आज दलितों के अकाउंट खुल गए, दलितों के अकाउंट में उनके योजनाओं के पैसे, मगर गुजरात के ऊना से लेकर के अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग हिस्सों में कपड़े उतार करके जिस तरीके से पिटाई करने का, मारे जाने का, शहर में नंगा घुमाने की जो तस्वीरें सामने आई, क्या उसे सिर्फ कानून व्यवस्था से जोड़ करके देखना ये न्याय संगत है? आप देखिए, वो किसी के साथ हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ भी हो रहा है, क्षत्रियों के साथ भी हो रहा है, दलितों के साथ भी हो रहा है। एक एग्जांपल बता दें आप, ब्राह्मणों, बनिया ठाकुर के साथ में। अरे सर सुनिए तो, मैं स्काइप पे हूँ। अरे सर मैं सुन रहा हूँ, आप बात सुनेंगे नहीं? आप नहीं, सुनूंगा, बोलो। एक बार उनको पूरी कर लें, सुनाने लायक है नहीं सर, एक बार बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए, आप बुराई पे बुराई करें जाए वो मैं सुन रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है। देखिए, अरे नहीं सर, इस देश में कानून का राज है, कहीं कोई गलत कर रहा है वो कोई भी व्यक्ति हो, हम संविधान सम्मत है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की आप बात करते हो, उनके संविधान को सही मायनों में किसी ने स्थापित किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। उसके पीछे रीजन है, तथ्य है।
देखिए, जिसको आप अलग अलग विभेद करके बांट रहे हो, आप दलित की बात क्यों कर रहे हो? आप इस देश की कब बात करोगे? आप मुसलमान की क्यों बात कर रहे हो? आप इस देश की कब बात करोगे? अरे सर, तो क्या दलित मुसलमान और दूसरे वर्ग के लोग इस देश के हिस्सा नहीं, इस देश के नागरिक नहीं? जाहिर तौर पर सभी लोगों से मिलकर के देश बनता है। ठीक है 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 इंद्रजीत सिंह जी, ठीक है। एक सेकंड सर, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं सबसे एक एक कॉमेंट ले लूँ, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। इंद्रजीत सिंह जी, चूंकि आप गुरुद्वारा प्रमुख भी हैं, ऐसी स्थिति में आज जो बातें कही जा रही हैं या जो तस्वीरें देखी हैं, सहमत आप इससे हैं? देखिए, बात यह है, अल्पसंख्यक हो चाहे आम जनरल आदमी हो, सुरक्षा, उसकी रोजी रोजगार, उसके हर मुद्दे पे जिनके हाथ में इस देश की डोर है, जिनको चार चार दफ़ा मुख्यमंत्री बनाया गया या प्रधानमंत्री जो लोग आज हमारे हैं, उनकी सबकी जिम्मेवारी है कि जो हमारे भारतवर्ष में रह रहा है उसको सुरक्षा देना, उसको शिक्षा देना, उसको रोजी रोजगार देखना। पर दिक्कत क्या है कि जब कोई मुद्दे आते हैं, जब कोई चुनाव नज़दीक आता है, तो सभी लोग बोलना, नेता बोलना चालू कर देते हैं। अभी पाकिस्तान में इतना बड़ा हादसा हुआ और एक अल्फाज जो ये संविधान की परिभाषा बता रहे हैं दुबे साहब, एक अल्फाज गृह मंत्री का, एक अल्फाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कोई ट्वीट भारत सरकार ने, आप सुनिए दुबे जी, आप बोल रहे थे, दुबे जी आप बोल रहे थे, मैं चुप था। सुनिए, आप टीवी पे डिबेट पे आए हैं, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप डिबेट पे आए हैं, आप बात कहने का हक रखते हैं, तो बात सुनने का हक, तुम्हारे अंदर कमी क्या है? तुम्हारी पार्टी के अंदर कमी क्या है? तुम सुनने के आदि नहीं हो, तुम लोगों को सुनने की आदत नहीं है। तुम्हारे जितने प्रवक्ता है सब एक थाली के चट्टे बट्टे, किसी को सुनने की आदत नहीं है। आप सुनने की आदत पालिए, आप लड़ने तक आप बदतमीजी से उतर जाते हैं। अगर इस बड़े चैनल पे, इस बड़े पैनल पे सभी लोग आए हैं, सबको अपनी बात कहने का हक है, आपकी बात सुनने नहीं आए हैं। आप हमारे टीचर नहीं है, आप हमारे नेता नहीं है, आप हमारी अपनी बात सुनिए, अपनी बात कहिए और हमारे कुछ कहने दीजिए। आप कोई हमारे टीचर नहीं है। सर एक सेकंड, मैं आप दोनों लोगों को माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी 64 वर्ष की मायावती हो चुकी हैं और आज इस 64वें जन्मदिवस के मौके पर कहा कि साहब बीजेपी और कांग्रेस से जनता किनारा करे, क्योंकि इस राज के अंदर, इस पार्टी के राज के अंदर लोग सुरक्षित नहीं, खासतौर पर दलित मुसलमान और कमजोर वर्ग के लोग। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ से सरकार चली है और यही डर है सपा और बसपा का और कांग्रेस का कि तेजी के साथ लोग उससे जुड़ना शुरू हो गए थे, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी। इसी के कारण इन लोगों ने दुष्प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लोग हो रहे थे उनमें भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की और नागरिक संशोधन बिल के बारे में दुष्प्रचार किया। आज केवल कुछ नेता ऐसे हैं जिनका जमीनी आधार हो गया है, वो आज ट्वीट करके और केवल अखबारों में बयान देके अपनी राजनीति में अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज का बयान मगर दिनेश शर्मा जी, मगर दिनेश शर्मा जी वो ये कह रही हैं, बीएसपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं, चाहे मॉब लिंचिंग से जुड़े हुए हों या दलितों के खिलाफ अत्याचार का हो, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि बात सही है। कैसे उसको देखा जाए? क्या सिर्फ उसे कानून व्यवस्था तक जोड़ना ही? अगर आप आंकड़े पिछली सरकारों से मिलाएंगे तो मैंने सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि पिछली सरकारों की अपेक्षा कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है, हत्या में, बलात्कार में, अल्पसंख्यकों के साथ में और अनुसूचित जाति के साथ में जो अत्याचार थे उनका प्रतिशत कम हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो मैं नहीं सही मानता कि इस प्रकार के बयान जो है उनकी हताशा को दिखा रहा है। और वो इस बात मुख्यमंत्री महोदय उनसे जाकर के रेपिड से मिलते हो जाकर के, ये क्या न्याय है? बहुत सारे राज्यों की ऐसी चीजें, ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें
जिसके बुनियाद पर यह आरोप आपकी पार्टी पर लगता रहा है, और ऐसे में आपकी पार्टी के नेता आरोपियों के साथ जाकर के खड़े होते रहे, इसलिए सवाल तो उठेगा ना सर? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया है, और अब वापस चर्चा की तरफ रुख करते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से संदीप दुबे जी, सवाल यूं ही तो नहीं उठ रहा ना? ये सवाल ना उठे इसके लिए सरकार को या आपकी पार्टी को बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत तो थी ना? ऐसे कदम तो नहीं उठाए गए सर? देखिए, आपको बताएं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना करती है। राजनीतिक पार्टी में अगर शुचिता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जैसी शुचिता किसी दूसरे अन्य राजनीतिक दल में है नहीं। यहाँ वंदे मातरम के नाम पे यहाँ का कार्यकर्ता पूरा जीवन देश को दे देता है। अगर कोई भी व्यक्ति, आप छोटी छोटी बातों को लेके और आप निशाना साधेंगे पार्टी, आप विचारधारा पे आइए, विचारों पे बात करिए। क्या इस देश को जोड़ के चलना गलत है? क्या सबके लिए बात करना गलत है? तो आपके आपकी बातों पर प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं, मैं लेता हूं हमारे साथ में, मैं आऊंगा अमित मिश्रा जी आपकी तरफ। फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फजील अहमद साहब, आप सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत हंगामा नहीं मचाना चाहिए। पहली बात तो ये है, जब भाई की छोटी बात कहते किसको है, हमको तो आज तक ये, पहले दुबे जी ये डिफाइन करें कि छोटी बात क्या होती है। सीएए कहते सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास बोलते हैं, और सीएए में सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे, जबकि आर्टिकल 21 ये बात कहता है कि न सिर्फ भारत के अंदर रह रहे नागरिकों की, बल्कि बाहर से आए हुए नागरिकों को भी जात धर्म मजहब के नाम पर हम भाई नहीं करेंगे। आपको पता नहीं अपने लिए क्यों नहीं आप आंदोलन करते इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ? हम अपने लिए ही कर रहे हैं, एक होते हम अपने पाकिस्तान के मुसलमानों से आपकी हमदर्दी क्यों है? पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों से आपकी हमदर्दी क्यों है? भारत में ला करके उसी मुल्कों के मुसलमानों से हमदर्दी क्यों है? वहां पाकिस्तान के लोगों को भारत में ला करके देश के अंदर भी जो योजनाएं चलती हैं बहुसंख्यकों के लिए नहीं चलती, अल्पसंख्यकों को लेके ही देश में योजनाएं बनती हैं भारत के अंदर। तो सरकार, आप ऐसे दो परसेंट लोगों को पंद्रह मकान है, अभी कुछ नहीं, आप बाहर जा के ला करके और हमारे धंधा पता को खत्म करने तैयार होना चाहिए। इतने आदमी आप पूरा बांग्लादेश मिला लो, पाकिस्तान मिला लो, आप पूरा देश मिला लो, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके साथ खेलते रहे, ठीक है सर? ठीक है, संदीप जी फजल साहब, आप दोनों लोगों को मैं रोकना चाहूंगा, मैं कई सारे मेहमानों की तरफ भी जा नहीं सका। अमित मिश्रा जी, ऐसे में जाहिर तौर पर, हालांकि मायावती का बयान अगर कांग्रेस पार्टी का नाम उसमें ना होता तो आपको तो बहुत सूट करता, मगर आपकी पार्टी का भी नाम लिया है कि उन्होंने, बीजेपी ने कांग्रेस की राह पर चलना शुरू कर दिया है, बीजेपी कांग्रेस की राह अख्तियार कर चुकी है। देखिए जब्बार जी, मायावती जी ने जो बयान दिया उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और सभी धर्मों, आप मानते हैं अल्पसंख्यक दलित और पिछड़ा वर्ग सुरक्षित है? नहीं, इस समय जो माहौल है अराजकता का, सिलेक्टिव है, अराजकता का माहौल है, और कहीं ना कहीं चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो चाहे वो महिलाएं हो, सभी असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं इस समय, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हमारा यूथ पढ़ता है, जो हमारे भविष्य का निर्माता है, वो सब असुरक्षा में हैं, साथ साथ महिलाएँ असुरक्षा में हैं। और अभी दुबे जी ने तो खुद ये बात मान ली जब हमारे बीएसपी के साथी बोल रहे थे कि ना सिर्फ दलित बल्कि ब्राह्मण क्षत्रिय सब पे अत्याचार हो रहा है, अभी उन्होंने खुद ही अपना कोर्ट किया कि सभी लोग इस समय अराजकता का महसूस कर रहे हैं, अराजकता, और कहीं ना कहीं सरकार में प्रश्न चिन्ह लगाती है इतने बड़े मैंडेट के साथ में, अगर इतने बड़े मैंडेट के साथ सरकार आती है, ठीक है, दायित्व और जिम्मेदारी उसी हिसाब से बढ़ती भी है, अगर 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 सत्ता के शिखर पर जनता पहुंचाती है तो जिम्मेदारी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, सर मैं आ रहा हूँ, अनिल मिश्रा जी, ठीक है सर, सर एक सेकंड, संदीप जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, फाजिल साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, अनिल मिश्रा जी, क्या मौजूदा वक्त में जो कुछ चल रहा है एनआरसी सीए एनपीआर को लेकर के, जिस किस्म का माहौल बन रहा है, उसी आग में एक घी डालने का काम किया है मायावती ने, ताकि इस आक्रोश को थोड़ा सा भुनाने की कोशिश की जाए या अपनी तरफ ऐसे वर्ग के लोगों को करने की कोशिश की जाए, इस तौर पर इसे देखा जाए, या वाकई जो वो कह रही है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है? नहीं, मायावती जी का जो बयान है जिस पर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं, इसके दो पहलू हैं, अगर दोनों पहलू को अलग अलग करके देखना जरूरी है, कि एक तरफ मायावती जी जो बयान दे रही हैं, अगर वर्तमान प्रेजेंट टाइम पे जो सिचुएशन देश में बनी हुई है उसको अगर आप तुलनात्मक उस बयान को उसका अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने
जो स्थिति है उसका वर्णन किया है, वो सही है, गलत है, जायज है, नाजायज है, वो एक अलग विषय है। लेकिन चूंकि सीए को लेकर, उसके बाद एनपीआर को लेकर, एनआरसी को लेकर जिस तरह से एक माहौल बना, और जैसा भी बीएसपी के हमारे एक साथी बोल रहे थे भी कि जो इसके पहले उन्होंने, चूंकि मैं नहीं चर्चा करना चाह रहा था क्योंकि मुद्दा वो शब्द जोड़ा गया अल्पसंख्यक और दलित, तो जो एक मॉब लिंचिंग का माहौल चला था फिर उस पर काफी हद तक कंट्रोल किया गया और मामला शांत सा हो गया था। लेकिन इस आंदोलन के द्वारा जो एक सीए आया, उसके बाद एनपीआर की भी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई और एनआरसी भविष्य के उसमें दबा हुआ है, तो उसको लेकर देश में जिस तरह का माहौल बना, जिस तरह के धरने प्रदर्शन और आंदोलन हुए, वहां तक रूपरेखा बिल्कुल ठीक थी। अगर किसी का विरोध है, लोकतांत्रिक है, विरोध करने का अधिकार है और विरोध किया जाए, लेकिन विरोधियों द्वारा विरोध में उग्र प्रदर्शन करना और उसके बाद अगर विरोधी उग्र हो गए, उन्होंने कुछ हिंसात्मक घटनाएं की, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उस हिंसा को दबाने में उससे कई गुना ज्यादा हिंसात्मक एक बल प्रयोग करना, जिसके रिजल्ट देखने में आए, तो वो जो एक माहौल बना है वो कहीं ना कहीं टकराहट का माहौल बना। और टकराहट जब होती है तो असुरक्षा की भावना निश्चित रूप से होती है। तो जहां एक तरफ वो अल्पसंख्यक शब्द जो आपने प्रयोग किया है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से मेरठ से लेके, दिल्ली से लेके, अगर जामिया जेएनयू की घटना भी जोड़ दी जाए, तो अगर आप देखें तो उसमें जो सत्ता पक्ष है, सरकार की तरफ से जो कार्रवाइयां हुई, अभी उस पर बहस किया जाए कौन सही कौन गलत, तो बहुत लंबा मुद्दा हो जाएगा, लेकिन जो सामने रिजल्ट आया, जो चीजें निकलकर हमारे सामने आई, देखने को मिली, तो उससे कहीं ना कहीं तो ये एक जनता के मन में डर आया कि अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो कहीं उसके अगेंस्ट उससे बड़ा बल प्रयोग आपके खिलाफ ना कर लिया जाए। लेकिन दूसरा पहलू सुन लीजिए, मायावती जी का आज अचानक जन्मदिन पर ये बयान देना, ये कहां तक सार्थक है? अगर आप ध्यान दें तो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह मायावती जी बैकफुट पे चली गई थी, और मायावती का जो एक राजनीतिक करियर है, जिस अंदाज में वो राजनीति किया करती हैं, उसमें काफी बदलाव दिखा था और वो सत्ता के पक्ष के काफी करीबी माने जाने लगी थी। उसका उदाहरण अगर लोकसभा में एक नहीं कई बिल थे, कई मुद्दे थे जिसपे देखिए मायावती जी की चुप्पी उनको कहीं ना कहीं एक पर्दे के पीछे डाल दिया था। और इधर कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खासकर प्रियंका गांधी का राजनीति जमीन पर कदम रखना, और जिस ढंग से एससी एसटी एरिया में घुसकर वो दखलंदाजी करना, मायावती के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीज। और एक चीज और, मुलायम सिंह, वो अखिलेश यादव का भी चुनाव के बाद दलितों के प्रति जो एक विशेष प्यार जगा है, तो मायावती को कहीं खतरे की घंटी है और परेशानी का कारण के मौके को राजनीतिक उसमें दिन के रूप में उसको प्रयोग करना। मैं मोहित रंजन जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले आचार्य देवमूर्ति शास्त्री जी, हिंदुस्तान भारत जहां पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, क्या लोगों का ऐसा आरोप है, और जैसा कि आज भी यह सवाल उठाया गया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का वक्त उठा करके देख लिया जाए और मौजूदा वक्त में पिछले 5-6 वर्षों में कहीं ना कहीं तौर तरीके बदले हैं, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल क्रिएट किया गया है कुछ ऐसे लोगों के जरिए जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, यही इसी आरोप को आगे बढ़ाया आरबीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, सहमत हैं आप इससे? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि विश्व में अगर सबसे ज़्यादा मान सम्मान और सुरक्षित है मुस्लिम समाज, तो वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब कुछ प्राप्त हो रहा है मुसलमानों को। देश का सर्वोच्च पद पर अगर कोई विद्यमान हुआ है मुसलमान, तो वो हिंदुस्तान में हुआ। क्या अल्पसंख्यक पाकिस्तान में है हिंदू, बांग्लादेश में है? क्या इतने बड़े पद पर आज तक कोई हिंदू विद्यमान हुआ है? उपराष्ट्रपति पे मुसलमान विद्यमान है, राष्ट्रपति पे मुसलमान आज आए हैं, आईएएस आईपीएस बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े राजनीतिक दल आज मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी कह रहा है कि इस देश में मुसलमानों को सताया जा रहा है। दूसरी बात जो हम सामने आंखों से देख रहे हैं, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं, मैं सवाल की बात करूंगा, आज देख लीजिए, सुनिए, बताते हैं आप, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, नहीं नहीं, नहीं उसमें अल्पसंख्यकों के साथ साथ में दलितों या फिर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में, वो तबका जो बहुत कमजोर, जिनके साथ में अत्याचार होता है मॉब लिंचिंग के शक्ल में या दूसरी शक्ल में, उसके साथ लगाने के लिए उसके लिए बड़े प्रहार है, वो बड़े प्रहार नहीं दिखते, उसके लिए हमारे यहाँ कानून है, सबके साथ होता है। देखिए, माया बहन मायावती जी दलितों का जो है राजनीति करती है,
आप बहुजन समाज पार्टी है, मुझे लगता है उसको मुस्लिम समाज पार्टी रख देना चाहिए। मुस्लिम का उनसे अच्छा होता कि दलितों की बात करती, पिछड़ों की बात करती। उन मुस्लिम समाज के लिए बोलने के लिए बहुत सारे मुस्लिम मंच हैं, लेकिन हमारी बहन मायावती अपने दलितों को छोड़ करके, दलितों को छोड़ करके और छोटा सा रिएक्शन हमारे दलित भाई कहां जाएंगे? हमारे दलित भाई का बात कौन करेगा? अगर मायावती जैसे जो दलितों की बात करने वाली है वो मुस्लिम की बात करने वाले हैं, तो हमारे दलित भाई किसके ऊपर जाएंगे? आज उनको चाहिए कि दलितों की बात करें, हमारे भाई है जो पिछड़े हैं उनकी बात करें। और दलितों की बात करती है, राजनीति करते हैं नहीं, अगर सर्व समाज नहीं करते हैं तो आज इतने शुभ अवसर पे जन्मदिन है उनका और भाई दो चार के में कहां गुनाह है? नहीं 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 भाई, 1984 में एक समुदाय के साथ हुआ, आज 1990 में ईसाइयों के साथ हुआ, 1992 में मुसलमानों के साथ हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुसलमान किनके किनके राज्यकाल में हुआ? यह हिंदुस्तान में है उतना किसी के बाबू में नहीं है, देश ही नहीं है कोई। क्या बात करते हैं, चले जाओ ना हिंदुस्तान का, आज जाके देखिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, आज पाकिस्तान में जाके देखिए अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, आज आज देख लीजिए उससे बहुत ज्यादा सुरक्षित हमारे भाई काहे नहीं हिंदुस्तान बता रहा है। सबसे ज्यादा राज्य का है हिंदुस्तान का नहीं। सरकारी फायदा अगर सबसे ज्यादा अगर कोई उठा रहा है तो आज मुस्लिम समाज। आज जाकर के आप जितने भी हॉस्पिटल में जाइए आपको मुस्लिम मिलेगा सरकारी हॉस्पिटलों में। आज आज सबसे ज्यादा फ्री राशन मुसलमानों को ले रहा है। आयुष्मान भारत जो मोदी जी ने चलाया उसका लाभ सबसे ज्यादा मुसलमान ले रहे हैं। पूरा माहौल दिखाई दे रहा है पूरे देश में, देश में मुसलमान झुलस रहा है, कुछ नहीं झुलस रहा। ये सब अनर्गल की बातें हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर लोगों का ज्ञान नहीं है। जो आज मैं जो हिंदू सरकार जो हमारे हिंदू भटके हुए जो ठीक है इंद्रजीत सिंह जी एक सेकंड, सुरेश चंद्रा जी मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। सुरेश चंद्रा जी इंद्रजीत सिंह जी आपके दो आरोपों का जवाब और देना चाहूंगा। ठीक है, जो शुरुआती दौर में दो आरोप लगाए थे सिंह साहब आचार्य जी की एक बात का जवाब देना। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस टाइम वो दलित के भी प्रधानमंत्री हैं, वो सिखों के भी प्रधानमंत्री हैं, वो मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं। किसी ने वोट दिया तो भी, किसी ने वोट नहीं दिया बात है। नहीं दिया तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जात देख के काम कर रहे हैं, कैसे सबके एक मिनट सुनिए, अभी बात ही नहीं करने दे रहे। अरे कर रहे हो, अभी बात कहीं नहीं, आपके दर्द एससी एक्ट में क्यों बदलाव किया? अरे उसको माने, अरे भाई, अरे चंद्रा जी, अभी तो मेरी बात निकली नहीं, आपका दर्द हो गया, मेरे को कहने तो दिए, आपको क्या पता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप झूठ बोल रहे, सिर्फ मनुवादियों के प्रधानमंत्री है वो जो मनुवादी। अरे फाजिल साहब बात तो पूरी होने दीजिए इनकी, ठीक है, गरीब गुरबा के प्रधानमंत्री। अरे इनकी बात तो पूरी सुनिए सर, सर आप सामने होते तो ज्यादा बेहतर होता, आप लाइन पर हैं, थोड़ा थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। जी जी, कुछ नहीं दिया सामाजिक आरक्षण नहीं है मेरे लिए, आप मेरे साथ चारों वर्ण मेरे लिए समान है, दलित भी मेरे भाई हैं। सर एक सेकंड, देवमूर्ति जी एक सेकंड सर, देश की सरकार एक सेकंड, देवमूर्ति जी विश्लेषक बैठे हैं, देखिए देवमूर्ति जी एक मिनट, देवमूर्ति जी मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, जो आपका एक आचरण, आप जिस रूप में आप हमारे साथ बैठे हैं, आपका आचरण ये है, आप किसी का पक्ष या विपक्ष मत मेरी सुनिए, क्या इस देश का उपराष्ट्रपति मुसलमान बने कि नहीं? आप बताइए सच्चाई, कुछ किया होगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई हिंदू राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाए बने हैं? आप मुझे बता दीजिए, फिर भी कहते हैं इस देश आप, अरे सर एक सेकंड बात तो सुन लीजिए इनकी, बात सुन लीजिए जी जी, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता, मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, और ये सच्चाई है कि इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान बने।
बने हैं, इस देश का उपराष्ट्रपति मुसलमान बने हैं, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनको जो है ये दर्जा और इतना इज्जत सम्मान नहीं मिला जितना भारत को मुसलमानों को मिल रहा है। कहना चाह रहा हूँ मैंने आपसे क्या कहा, मैं तो अभी अपनी बात शुरुआत ही नहीं होने दे रहे, सब लोग हम चले जाते हैं, आप लोग डिबेट कर लीजिए, आदर से आप सुनाइए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो भारतवर्ष में वासी रह रहा है वो उसका वो किसी भी जात से संबंध रखता है, किसी ने वोट दिया किसी ने नहीं दिया, प्रधानमंत्री सबके हैं। आज जो देश के हालात हैं, कोई कह रहा है कि वो मिसगाइड करा जा रहा है मुसलमानों को, कोई कह रहा है बिल्कुल ठीक है, एक तरफ आपका मकसद ये है कि जो माहौल बना हुआ है उस माहौल को शांत कैसे करा जाए, आप लोगों को समझाएंगे? आप तो चैलेंज करते हैं, आपके नेता तो छाती पे हाथ के मार कहते हैं ये होगा, हम जान दे देंगे, हम ये भाषा किसी गृह मंत्री की प्रधानमंत्री की नहीं होती। हम ये कहना चाह रहे हैं आप अगर कोई चीज लागू करना चाहते हैं उसका नियम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप लोगों को समझाइए, अगर कोई गफलत है उस गफलत को दूर करने का काम कीजिए, हालात जो है उस हालात के ऊपर आप तो सीधा चैलेंज करते हैं, छाती पे हाथ मार के कानून छाती पे हाथ, ये सेकुलर देश है, इसको इसी में हर जाति हर धर्म का व्यक्ति रह रहा है, हमारा मकसद ये आचार्य वेदमूर्ति जी इंद्रजीत जी, एक सेकंड आचार्य जी तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, जात पात के धर्म पर जो राजनीति करती आई हैं उनको तो जन्मदिन की बधाई। अब बात आती है कि देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जो हो रहा है, किसे लगता है अत्याचार हो रहा है? 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में आप मेरी बात सुने, तिलक तराजू तिलक को आप कौन सी बोली थी, मायावती बोली थी, अगर वो राजनीति कर शुरुआती दौर से आप लोग जात पात के नाम पर राजनीति, कोई नहीं हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है, हम लोग सारे हिंदू, मायावती का काली बाहर, मायावती ने शुरुआत की थी, आपने किस मंच पर सुना मुझे बता दो, आप सुनिए, अरे मुझे बता दो ना किस मंच पर सुना, उस मंच का नाम बताओ, डेट बताओ, कार्यक्रम बताओ, आप इतिहास हमारा नारा नहीं है, अरे आप अपने आप को झूठ कर अपने, अरे हमारा नारा नहीं है, आप पढ़िए अपने, अरे मैं पढ़ा हुआ हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं बसपा का मूल आदमी हूं, ये क्या पढ़े हुए, मैं मूल आदमी हूं, आप पढ़िए तो सही, दोबारा मैं मूल आदमी हूं, मूल आदमी दोबारा जाकर पढ़िए, आपको पढ़ने की जरूरत है, अगर ज्यादा डर लग रहा है ना चले जाओ पाकिस्तान, कैब को समझिए, एक सेकंड आप सभी लोगों को मैं रोकना चाहूंगा, एक सेकंड अनिल, अनिल जल्दी से में नागरिकता पाने का एक तरीका होता है, चाहे आप लंदन में जाएं चाहे अमेरिका में जाएं, भारत में भी वही एक तरीका अब लागू किया गया, इसको समझने की जरूरत है। इस पर आप लोग जो समाज को बच्चों को स्टूडेंट्स को बरगला रहे हैं वो बरगलाना बंद कीजिए, को समझिए, चर्च को नहीं समझ रहे हैं, सीए को समझिए, बरगलाना बंद कीजिए, बरगलाना बंद कीजिए, मुझे दो एक मिनट का मौका दो, मैं अपनी बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में प्रताड़ित हिंदू सिख ईसाई हैं उसको जो है नागरिकता देने की बात है, और इसमें किसी तरह के भी नहीं कि हमारे देश के मुसलमान को निकाला जाएगा, ठीक है, ठीक है, या बहुत चीजें उनको देना पड़ेगा, आचार्य वेदमूर्ति जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अनिल मिश्रा जी, ये क्या जो मौजूदा वक्त में सरकार से जुड़े हुए लोग या उस पार्टी से जुड़े हुए लोगों के भाषा को आधार बना करके ऐसे बयान देने के लिए एक जमीन तैयार मिलती है,
या फिर वाकई सरकार भी खामोश रहती है, पार्टी भी खामोश रहती है कि साहब अगर पार्टी के कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तो बोलने दिया जाए, उसका भी अपना एक असर है और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण जिसकी बुनियाद पर आरोप लगता है वो भी होगा। नहीं देखिए, राजनीति करने का मतलब है कि राजनीतिक रोटी सेकनी ही सेकनी है और वो किसी एक का ठेका है नहीं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां या राजनेता हैं उनको अपनी अपनी रोटियां सेकना है। तो जहां हम लोग जिस मुद्दे पर आज बात करने को सुने, जैसे अभी बहस और चर्चा हो रही है, एक दूसरे को अज्ञानी ठहराने का ज़्यादा प्रयास होता है आजकल, आप पूरे देश में यही माहौल पाएंगे, केवल यहाँ नहीं है, कि अगर आप उस सामने वाले की बात से सहमत नहीं है तो मतलब आप अज्ञानी हैं। और जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, खासकर सत्ता पक्ष, खासकर जिसका शब्द का आपने प्रयोग किया कि जो एक सरकार है और सरकार के लोग हैं, अगर उनकी बातों से आप नहीं सहमत हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप पाकिस्तानी हैं, और जैसा भी हमारे आचार्य गुरु जी ने कहा भी पाकिस्तान चले जाओ, जिन्होंने कोई पहली बात थोड़ी नहीं कही, देश की सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं, देश के लोग भी कह रहे हैं, इस देश का बंटवारा सुन लीजिए पूरे आचार्य जी एक सेकंड, कहां से सबको बोल दीजिए, एक सेकंड, किसने मुसलमानों के खिलाफ कुछ लिखा गया है, कहां से कौन से भाई ने, जब आपने कानून बना दिया तो उसको फिर रैली क्यों दिखा रहे हो, फिर रैली क्यों कर रहे हो, फिर जनता में क्यों जा रहे हो, आपको कानून बना दिया, आप लोग पढ़ते तो है, आप लोग ने साथ दिया, सीए ने कितने पैसे से कौन बताया, आज मुसलमान ठीक है, भारत में पड़ताली थोड़ा था उसके लिए कुछ और बताओ ना, बताइए ना कितने बार बताया, मैं ये कह रहा हूं जब इतना बढ़िया कानून है तो देश में ये अपना कभी क्यों पैदा कर दी, आप यही बता दीजिए सीए में जो जो कानून सीए का कानून है उसमें कितने पैसे से बता दीजिए, अरे मैं पेज की बात छोड़ रहा हूं, पढ़ गया ना, आपको जानकारी है, आपको धर्मगुरु कौन बन रहा है सर, आपको जो तरीका होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कानून बनाए कानून कानून को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर एक सेकंड, सीए को थोड़ी देर के लिए साइड कीजिए, सवाल यह है कि जिन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी कांग्रेस को एक साथ बीएसपी सुप्रीमो ने निशाने पर लिया और एक बहुत ही जेनरिक सी बात कही है, अपनी बात पूरी कर लीजिए अनिल मिश्रा जी, फिर मैं आता हूं अमित मिश्रा जी आपकी तरफ, मतलब आप देख रहे हैं ना माहौल, अगर आप कुछ कहते हैं वो सही है गलत है इसकी परिभाषा या इसकी सत्यता बाद में जांची जाएगी, आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, आपको पढ़ने की सीख दी जाएगी, आपको और ज्ञान प्राप्त करने की सीख दी जाएगी, क्योंकि माहौल ये बनाया जा रहा है, माहौल ये बना हुआ है कि जो वो कह रहे हैं उस पर अगर आपने जिंदाबाद कहा तो आप ठीक है, अगर आपने जरा सा भी इधर उधर करने की कोशिश की तो आप या तो पढ़ो या तो मुर्दाबाद कहिए, मुर्दाबाद कहिए सरकार की बात कर रहे हैं, अरे सर अरे सर अरे सर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मोहित रंजन मोहित रंजन मोहित रंजन इंडियन टुकड़े बोलते हो उसको मतदान करना चाहते हो, लाखों गुना ऊपर है, आप पहले रिसर्च करके आइए, भारत में और भी यूनिवर्सिटीज है जिसमें जेएनयू बहुत पीछे है, अभी रिजल्ट आउट हुआ है, अभी रिजल्ट आउट हुआ आईएएस का, उसमें से 32 में से 18 लड़के पास हुए, अरे सर अरे सर, मोहित रंजन सवाल ये है, एक सवाल बड़ा उठता है, मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग आखिर है कौन, क्या एक सेकंड, क्या दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को अब तक इतना लंबा वक्त गुजर चुका है उन लोगों के खिलाफ में क्या है ना उसमें, ये है क्या माजरा की प्रति है गैंग का, सवाल ये कि हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, एक सेकंड कौन है, अच्छा कौन है, ठीक है, अच्छा बीजेपी का है, क्यों रोक लगाए हुए हैं, एबीपी का है, ठीक है अरे सर हम जेएनयू और जामिया को लेकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, जवाहर भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे सम्मानित मेरे सीनियर भाई हैं, बेशक मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं गुरुद्वारे से हूँ, लेकिन भाई साहब भैनजी की पार्टी से जुड़े हुए हैं और जन्मदिन की बधाई देते हुए एक बात पूछना चाहता हूँ, आज आपकी बात का इतना बखेड़ा क्यों है, उसके पीछे कारण ये है, आप किसके साथ नहीं रहे, आप बीजेपी के साथ भी रहे, आप कांग्रेस के साथ भी रहे, आप सपा के साथ भी रहे,
जब तक आपकी मतलब की जो बात आज बीजेपी, मेरी बात पूरी दो मिनट कोई बात नहीं, कोई बात, जब तक बीजेपी आप उसके मतलब की बात करते हो, बीजेपी कहती है बहुत बड़े नहीं देशद्रोही कहते हैं, सेम बात आपके साथ है, जब तक आपके मतलब की बात पार्टी करती है, आपके सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही होती हैं, आपका एडजस्टमेंट बढ़िया चल रहा रहता है, जहां आपके मतलब की बात नहीं होती आप छोड़ के अगली दफ़ा किसी दूसरे मिल जाए। आज जो दूसरे दलों को मजबूती मिली है, आज बहन जी के इस बांध के ऊपर जो बखेड़ा पड़ा है, उसके पीछे आपको भी अब मंथन करने की जरूरत है कि क्या कारण है। और फिर बहन जी आज बोल रही हैं, फिर महीना दो महीना छह महीना गायब हो जाएंगी, उसके बाद ना आपका धरना, और ये इसलिए भी जरूरी है, ये इसलिए भी इंद्रजीत, ये इसलिए भी सुरेश चंद्रा जी, एक सेकंड, सुरेश चंद्रा जी, इसलिए भी कि बीएसपी सुप्रीमो ने जो कह दिया आखिरी सत्य तो वही नहीं होगा ना, जाहिर तौर पर आपकी पार्टी की अपनी एक राजनीति है और एक राजनीतिक बयान के तौर पर इसे देखा जाएगा। मेरी बात सुनिएगा जी, आपने शुरुआती दौर में, भैया सुनो, जनता ने भी नकार दिया है, आपने शुरुआत, अरे भैया जनता ने नकार दिया, जनता दोबारा ले आई, सुन लेते जी जी, आपने दो आरोप लगाए शुरुआती दौर में कि तिलक तराजू और तलवार, यहाँ जितने साथी बैठे हैं उस मंच का नाम बता दें, स्थान बता दें, डेट बता दें, जहां माननीय बहन जी को और माननीय काशीराम साहब को या वरिष्ठ नेताओं को ये नारा देते हुए बोला हो, इतिहास पढ़ अरे भैया सुनोगे भी मुझे अपनी बात कहने दो, गूगल बाबा दूसरे सबके पास है, अरे गूगल तो बस ऐसे ही है, अरे गूगल, और दूसरा जो एक नारा दिया जानकारी है, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी संघ बजाएगा, वो भी नारा हमारा नहीं है, आपके पास जो जानकारी, वो 2006 में मेरे सुधारवादी ब्राह्मण समाज के लोगों ने, अरे भैया सुनोगे जरा, अरे हम सुन ही रहे हैं, सुधारवादी ब्राह्मण समाज के लोगों ने लखनऊ में ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम किया, उसमें मेरे ब्राह्मण समाज का आदमी गले में जय श्री राम का पटका है, बाएं हाथ में बहुजन समाज पार्टी का झंडा है और सीधे हाथ में शंख है, और वो बजाता हुआ मंच की तरफ दौड़ रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ये नारा हमारा नहीं है। लेकिन क्या इतने टाइम में हम इतना भी नहीं सीख पाए हों जिनको ललुआ माना इस देश में, क्या हम इतने भी नहीं सीख पाए कि कोई मान सम्मान दे रहा है तो उसे पहचाना भी आना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने कहा, क्या सम्मान पहचाना आना नहीं चाहिए, इसलिए दोनों नारे हमारे नहीं है। अब सेलेक्टिव हो रहे हैं, अब दोनों चीजों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और डिनाई भी कर रहे हैं, डिनाइल मोड में भी है। अनिल मिश्रा जी, सर उसे भी पूछ लो, मैं स्काइप पे बैठी हूं, सबकी झगड़ा सुन रहा हूं। और इस ठीक है, संदीप दुबे जी, संदीप दुबे जी कुछ कह रहे हैं, संदीप दुबे जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। सर अपनी बात रखिएगा सर, क्योंकि आप स्काइप से जुड़े, कई बार आपकी आवाज कटती है। जी सर, सर मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जो जितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये सारे असुरक्षित लोग अपने को बता रहे हैं, असुरक्षित लोगों के मसीहा बता रहे हैं। अगर असुरक्षित होते तो इतनी तेज तेज से सरकार की आवाज दबा देते, कोई सरकार बैठी उसको असुरक्षित करने की कोशिश करते, तो हम सब लोग को समझना है कि हमारे अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सब लोग अच्छा काम करें, मेरी यही बात कहनी है। आप बुराई कर रहे हैं, आपको अच्छी बात है, आप बुराई करिए, आलोचना करने का आपको अधिकार है, लेकिन आलोचना का स्तर भी होना चाहिए, इतने स्तर पे न गिर जाए कि आप सही और गलत में भेद करना भूल जाए, मैं सिर्फ इतना ही कहना। नहीं, जैसा हमने रमाकांत यादव को बंद करवाया था, सांसद को अपने को, आपके लोगों ने कितना बंद करवाया किसी ऐसे बेईमान को। सर आप बहुत महान हैं, बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपकी आपको जो है अल्पसंख्यकों की राजनीति करनी पड़ रही है, मुसलमानों की बात कहनी पड़ रही है, दलितों का नेता बनना पड़ रहा है, समाज की मगर एक सवाल, एक सेकंड सुरेश जी, मगर संदीप दुबे जी, बता दीजिए एक सेकंड, हाउस हमने बनाया सुरेश जी, एक सेकंड, संदीप दुबे जी सवाल ये है कि साल दर साल दलितों के खिलाफ या पिछड़ों के खिलाफ उत्पीड़न के केसेस में इतनी बढ़ोतरी, इतना इजाफा क्यों होता जा रहा है? सवाल तो ये भी है ना, जो आंकड़े सामने आते हैं उन आंकड़ों पर अंकुश लगना चाहिए। आप जब दिनेश शर्मा जी से पूछ रहे थे, दिनेश शर्मा जी ने भी स्पष्ट कहा, उपमुख्यमंत्री जी ने, हमारे सरकार में दलितों के उत्पीड़न या जिसकी भी बात कहना सको कम हुआ है, घटनाएं कम हुई है, और जो हुई भी है उनके खिलाफ, जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हुई है। अमित मिश्रा जी, कितनी कार्रवाइयां हुई बना के दे वहां किसी को, अमित मिश्रा जी क्या इस स्तर पर कार्रवाई हुई जिससे जिससे ऐसे लोगों में विश्वास बहाल किया जा सके, विश्वास पैदा हो सके? एक सेकंड सर, अमित मिश्रा जी देश की बुराई करते हैं और असुरक्षा की भावना खुद अपने लोगों में जगा देने की कोशिश करते हैं, कभी दलितों की स्थिति सुधारने के लिए बताया, आपने कुछ भी बात कही चाहे वो सहमत चाहे वो साक्ष्य के आधार पर हो, आप देख रहे हैं आप हिंदुस्तान के नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाइए, और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि आज
मुसलमान जो देश के थे वो राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने। तो एक बात बता देना चाहता हूँ आचार्य जी, चाहे किसी भी जाति हो किसी भी धर्म हो, हमारे देश की इसी उस पर बनी है कि यहाँ पर सभी धर्मों को सभी जातियों को बराबर का मौका मिलेगा। और यदि एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने, यदि फखरुल अली अहमद जी बने, यदि कृष्णकांत जी बने, यदि उपराष्ट्रपति बने, मुस्लिम लोग बने, मुख्यमंत्री बने, तो वो अपनी योग्यता के आधार पर बने। जनता ने उनको चुनकर भेजा, उनको नेता बनाया, तो वो मुख्यमंत्री बने, किसी के रहमो करम पे नहीं बने। और सुन लीजिए आचार्य जी, सुन लीजिए मेरी बात। अरे सर, हर बात को पाकिस्तान से जोड़कर क्या देखने की क्या जरूरत है? क्या इस बात की जरूरत है कि हर चीज को पाकिस्तान से जोड़कर देखा जाए? क्या हैसियत है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की कोई हैसियत है? आपको शर्म आनी चाहिए। भारत के बाद पाकिस्तान से डर रहा है कोई? हिंदुस्तान शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म चाहिए। कैमरा के सामने माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आप भारतवासी होने के बाद पाकिस्तान से आप डर रहे हैं? पाकिस्तान को उठाओ और समुद्र में गिरवा दो। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म गलत की बात तुम गाली दीजिए। अरे बदतमीजी है, ये बदतमीजी नहीं है, शर्म आनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो? भारत के होने के बाद एक सेकंड मोहित रंजन जी एक सेकंड मोहित रंजन जी डर क्यों? कौन डर रहा है भारत का? चीख क्यों रहे हैं फिर आप? क्यों डर रहे हैं भारत का? डर नहीं, चीख क्यों रहे हैं? मोहित रंजन एक सेकंड, चीख क्यों रहे हैं आप? चीख तुम्हारे नेता डर रहे हैं? आप गलत बोल रहे हो। तुम्हारा छोटा भाई है उसको बनाओ। कौन छोटे भाई है? किसने हिंदुस्तान के? अरे वहाँ चले जाता तुम्हारा प्रधानमंत्री चला जाता बगल बताए। किसने हिंदुस्तान के मुसलमान को बगल बताए चले जाते हैं? आप पढ़े, आप जानकारी हासिल करें। आप यहाँ पर बैठ करके इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो बाहर जनता किस हिसाब से रिएक्ट करेगी? सर एक सेकंड अमित जी अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए, क्योंकि हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में। भारत की नींव इस आधार पर रखी गई थी, यहाँ पर किसी भी जाति किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं होगा। और यदि आपने देखा तो पिछले 6 साल में ऐसा कभी हुआ भी नहीं। छोटे मुझे एजिटेशन हुए होंगे लेकिन इतने व्यापक पैमाने पे नहीं हुआ। अभी हमारे रंजन साहब ने बोला कि आप मुझे बता दीजिए कि सीए में कितने पेज हैं, ये कोई वो नहीं है, तर्क नहीं है। अगर मैं रंजन साहब से पूछूं कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, इसका मुझे एड्रेस बता दीजिए, इसका एड्रेस क्या है, तो आप बता नहीं पाएंगे, ये तर्क नहीं है। अगर 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 आप बात कर रहे हैं सीए क्यों आया है, पिछले 6 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में 200 करोड़ की देशवासी, पश्चिम बंगाल में एनआरसी क्यों फेल हुई, पश्चिम बंगाल में क्यों फेल हुई, उस फेलियर को बचाने के लिए, उस फेलियर को बचाने के लिए सीए इंट्रोड्यूस किया गया। पत्थर मार के कहते हैं भैया आप 4 दिन पहले चुनाव में किसी विरोधी के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं और उनको गालियां देकर चुनाव जीत के आते हैं, कल को उन्हीं की गलबखियां पाते हैं, जैसे आपने जम्मू कश्मीर में करा, हरियाणा में करा। अरे किसकी पैरवी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में? क्या आपके दिखाने के कहां जम्मू कश्मीर में? ढाई साल बताइए, ढाई साल सरकार ढाई साल सरकार जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? हरियाणा में आपने क्या करा? अरे आप जम्मू कश्मीर बनाया, 2 घंटे बाद बेल दे दी। टॉपिक चेंज मत कीजिए, आप बताइए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? करेक्टर बता रहा हूँ। अरे आप बताइए ना, हर बात पे आप करेक्टर विश्लेषित करने वाले, हर बात पे पाकिस्तान विश्लेषित करने वाले। अरे सुनिए भाई, आपसे कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहता है। आप ये बताइए टॉपिक आप ये बता दे कि जम्मू कश्मीर में जो अभी आपने कहा क्या हुआ? 2.5 साल सरकार चलाई आपने, आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए। वो बीजेपी बीजेपी पीडीपी की बात वो कर रहे थे। ठीक है सर। अनिल मिश्रा जी, अब सवाल ये है कि इन तमाम परिस्थितियों में अब आगे की तस्वीर क्या आप देख रहे हैं कि मायावती अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए, जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले किया था, ये एक शगुफा एक शोषा छोड़ करके अपने लोगों को सहजने की कोशिश कर रही है, चाहे वो उनका ताल्लुक मुस्लिम से हो, दलितों से हो या फिर पिछड़े वर्ग से हो? नहीं देखिए, मैं फिर वहीं पर आऊँगा कि राजनीति करना है तो राजनीतिक रोटी सेकनी पड़ेगी और राजनीतिक रोटी जनता के ही दांव पर सेकी जाती है। जहां सत्ता पक्ष जिस दांव को चल रहा है, जिस चाल को चल रहा है, विपक्ष उसमें पूरी तरह से उलझता जा रहा है। यह आज से नहीं, पिछले 6 सालों से देखने में आ रहा है। और यही राजनीति की एक चाल होती है जिसको कूटनीति बोलते हैं। सत्ता पक्ष की कूटनीति के तहत विपक्ष पूरी तरह से धराशायी है। और इसीलिए मैं आपको बड़े खुल के बोल रहा हूं कि ये जितना ज्यादा होगा सत्ता पक्ष जिसका ये विपक्ष विरोध कर रहा है, वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। और सत्ता पक्ष आपका इसके पहले प्रश्न था कि क्या उनकी
बीजेपी या उन्होंने अपने लोग छोड़ रखे हैं, बिल्कुल सच है। सत्ता पक्ष ये चाहता है इस तरह की वातावरण तैयार किया जाए, इस तरह का माहौल तैयार किया जाए। जब इस तरह का माहौल होगा, वातावरण होगा, तो जो अभी आपने अपने पैनल में ही देखा राजनीतिक चर्चा का जो एक माहौल बना, तो उस माहौल का फायदा सीधे सीधे सत्ता पक्ष की जो राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम भाजपा है उसको मिलना ही मिलना, उसका सीधे एक कारण है कि हिंदू मुस्लिम शब्द केवल कर देना ही, पब्लिक के बीच में अपना विश्वास केवल हिंदू मुस्लिम शब्द कर देना ही सत्ता पक्ष के लिए बहुत फायदेमंद है, और वो उसका पूरा प्रयास है जो वो पहले खुलकर पहले करती थी, आज सरकार में होने के नाते वो इनडायरेक्ट वे में संदीप दुबे जी, संदीप दुबे जी जिस पर खेलने के लिए आखिरी कमेंट सर मजबूर है। संदीप दुबे जी, मैं सिर्फ कहूंगा कि देश को दलित मुसलमान हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हम सब लोग न देखें, ये हम सबका वतन है, हम सब लोग इसमें बेहतर भागीदारी करें और अपने आप की भूमिका को भी तलाशें कि हम बेहतर भूमिका हमारी क्या हो सकती है देश को बेहतर बनाने। देखिएगा, हम तो केवल मात्र इतना कहना चाहते हैं, जनता सब देख रही है और मौके पर वो बिल्कुल पूरा रिजल्ट देगी, और हमारा सीधा सीधा नारा है बीएसपी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। हमारे उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जय 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 हनुमान गुसाई मायावती से जान बचाई, और सीधा सीधा प्रशासन चलता था, स्वच्छ प्रशासन था। ऐसा प्रशासन चलाइएगा, आनंद आएगा, और नहीं चला पाओगे तो आचार्य वेदमूर्ति जी, जरूरत है कि थोड़ा सा और आपसी सौहार्द को मजबूत किया जाए, या सब कुछ ठीक चल रहा है, सिर्फ बेवजह बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है कुछ लोगों के चलते, जो अर्बन नक्सली विचारधारा के लोग जो जेएनयू में है उन लोगों के चलते ये बखेड़ा खराब हो रहा है। 130 करोड़ जनता है, सब लोग आनंदचित और प्रसन्नचित से रहे, कुछ तो कम लोगों के कारण ये सब चीजें हो रही है, ये सब सर 10 सेकंड में इंद्रजीत जी 10 सेकंड, सब लोग आनंद हैं। देखिए बात ये है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, एक गुरु घर के नाते होने के बाद इस टाइम प्रधानमंत्री जी को भी सबको गलफिकी में लेके रहना चाहिए, किसी एक जात किसी एक धर्म की बात नहीं करना चाहिए। भारत में रहने वाला हर वासी उनका पुत्र है, उनका बच्चा है, उनका भाई है, ठीक है, वो कुटुंब की बात करें। बहुत शुक्रिया और बहुत माफी के साथ आखिर में मैं जिन मेहमानों की तरफ आ नहीं सका आखिरी कमेंट के लिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, संदीप दुबे जी, अमित मिश्रा जी, मोहित रंजन जी, सुरेश चंद्रा जी, इंद्रजीत सिंह टिटू जी, आचार्य वेदमूर्ति शास्त्री जी, फाजिल अहमद साहब और अनिल मिश्रा जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। जाहिर तौर पर मौजूदा वक्त में जिस किस्म के हालात हैं, कोई इसे अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष से ताल्लुक रखता हो या फिर विपक्ष से ताल्लुक रखता हो, मगर इन तमाम चीजों के बीच में जनता को अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए। गुंडागर्दी करते हैं, अधिकारियों को काम नहीं करने देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट देखती रहती है। आज भी इतनी तलखी, और सही को सही कहने की हिम्मत रखें।